महामंत्र का उच्चारण करने से ये है दवाई कलयुग के रोग की, औषधि है, नाम औषधि है, लेकिन जब डॉक्टर दवाई देता है तो परहेज के लिए बोलता है, परहेज नहीं करेंगे तो दवाई ही अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी। तो परहेज क्या है, चार चीजों की परहेज करनी है, क्योंकि धर्म के रास्ते के ऊपर चलने के लिए अधर्म के कार्यों से बचना पड़ेगा, और चार अधर्म के कार्य है, ये परहेज है। पहले मांस आहार को छोड़ना पड़ेगा, रजोगुणी तमोगुणी आहार को छोड़ना पड़ेगा, प्याज लहसुन भी तमोगुणी और रजोगुणी खाना है, और जो शुद्ध सात्विक बने भगवान को भोग लगा के प्रसाद परिवार को खिलाइए, देखिए आपके घर में चमत्कार हो जाएगा। पहला, रजो तमोगुण के भक्षण की चीजों का त्याग कर दो, खाने की इच्छा करेगी लेकिन नरक में ले जाएगी, जैसे लाल बत्ती रास्ते में है, गाड़ी को खड़ी करनी होती है, टाइम खराब करने के लिए गवर्नमेंट नहीं लगाई है, एक्सीडेंट से बचने के लगाई है, दुर्घटना से बचने के लिए लगाई है, ऐसे शास्त्रों ने ये रोगिक भोगों को हमारे भविष्य के दुर्घटना से बचाने के लिए रखा हुआ है, इसलिए इसको त्याग दीजिए। इससे क्या होगा, इससे दया हृदय में आएगी, दया धर्म का मूल है, अगर दया धर्म का मूल है तो पशु हत्या का बहिष्कार करना पड़ेगा। दूसरा, जीवन में तपस्या अगर लानी है, तपस्या तपो दिव्यम पुत्र का, ये ऋषभ देव की शिक्षा है भगवान की, भारतवासियों के लिए भारत महाराज के माध्यम से है, दिव्य तपस्या करो बच्चों, और दिव्य तपस्या करनी है तो नशा छोड़ना पड़ेगा, नशे वाला आदमी तपस्या नहीं कर सकता, और नशे में शराब का नशे को छोड़ो, अफीम को छोड़ो, भांग को छोड़ो, ये चाय भी हमारे घर में नशा बन के आ गई, चाय काफी। ओम जय चाय की प्याली, सुस्त जनाओं को पल में चुस्त करने वाली, ओम जय चाय की प्याली, पहले घरों में ओम जय जगदीश हरे, अब ओम जय चाय की प्याली। अतिथि जो आए चाय जरूर मिले, फिर भोजन की थाली, ओम जय चाय की प्याली। रोटी में भले हलवा खिलाओ पूरी खिलाओ, लेकिन चाय नहीं पिलाई तो बोलेगा पूछा भी नहीं, बिना बिस्तर से उठते चाय जरूर मिले, बिन दंतन बिन मंजन है मुंह में डाली, ओम जय चाय की प्याली, उठ के मुंह भी नहीं धोएगा चाय पिएगा। दूध की नदियां बहती थी इस देश में, दूध में पड़ गई पत्ती काली, ओम जय चाय की प्याली। काली भैंस भी सफेद दूध देती है, लेकिन हमने सफेद दूध को काला कर दिया। साधु हो या सन्यासी सबको ये भांति, जो इससे बच जाए वो भाग्यशाली, ओम जय चाय की प्याली। साधु सन्यासी सबको ये चाहिए, इसके बगैर काम नहीं चलता है। तो ये सब नशे में, ये सबसे नशा घर घर में आ गया है, घर में रोटी के खर्चे से ज्यादा चाय का खर्चा है, बच्चे को दूध नहीं मिलेगा चाय मिलेगी। और एक महात्मा ने कहा, ब्रह्मचार्य का नाश चाय ने किया और नींद का सत्यानाश चाय ने किया। आज कोई 12 बजे से पहले नहीं सोता है, और बच्चों में ब्रह्मचार्य नहीं है, ये चाय ने दो सबसे बड़ा हानिकारक भारतवर्ष के युवकों के ऊपर अतिक्रमण के आक्रमण किया है, भारत के युवकों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर चाय के दो भारी दुर्प्रभाव पड़ा है, एक नींद गई और ब्रह्मचार्य गया। और तीसरा, अगर जीवन में सत्य को धारण करना है, सत्य के ऊपर चलना है, तो जुआ करना छोड़ देनी चाहिए, यह परहेज है, झूठ बोलना भी जुआ है, इधर उधर की हेरा फेरी करना यह सब छोड़ना चाहिए। और चौथा, विवाह से बाहर स्त्री पुरुष में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, नहीं तो जीवन पवित्र नहीं रहेगा। व्यभिचार, नशा, मांसाहार और जुआ का परित्याग, ये चार परहेज है, ये करेंगे तो हमारा जीवन कलयुग में भी सतयुग जैसा हो जाएगा।
और दवाई क्या, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण। हो सकता है आप समझें कि ये चार छोड़ना मुश्किल है, तो हम आपको आसान रास्ता बताते हैं। आप हरे कृष्णा जपना शुरू कर दो, ये आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपको छोड़ने का प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। हमारे हजारों हजारों भक्तों का ये अनुभव है, आप कुछ नहीं कीजिए, आप हरे कृष्णा जपिए, ये चीजें आपको छोड़ के चली जाएंगी, ये रहेंगी नहीं। कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां सूर्य है तहां ना माया नहीं अधिकार। भगवान सूर्य समान है, ये माया आप रह नहीं सकती है। आप एक काम कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुरू कीजिए, अपने जीवन में चमत्कार देखिए। हरे कृष्ण।